हे वेलकम बैक टू माई चैनल मैं अनुज आपका फ्रेंड दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ मैटिफो ये दूसरा है इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया है जिसपे मैंने आपको बताया फिगर ऑफ स्पीच का डेफिनेशन एंड सिमली के डेफिनेशन और, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स ठीक है और सभी के उच्चारण मैंने बताया फिर भी मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ मैटिफो राइट तो इसका जो करेक्ट उच्चारण है दोस्तों ये होता है मैटफो या एक और उच्चारण है आप बोल सकते हो मैटफो मैटफो लास्ट में फो है ठीक है इसको या तो बोलो मैट या बोलो मैट ठीक है जिसका हिंदी अर्थ होता है रूपक अलंकार है मेरा पार्ट टू ठीक है पार्ट वन नहीं देखा तो आप पार्ट वन देख ले ठीक है डेफिनेशन की बात करते हैं इसका आपके एग्जाम में आ जाएगा कि तीन दे देंगे मैट सिमिली एंड ऑक्सीमरॉन ठीक है तो आप उनमें से बोलेगा कि आप एक का डेफिनेशन लिखे और प्लस एग्जाम्पल लिखे ठीक है तो मैंने देखिए डेफिनेशन लिखा है बड़ी इजी भाषा में इसे देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने इन दिस ऐसे ही लिखना है आपको दिस फिगर ऑफ स्पीच टू ऑब्जेक्ट आर कंपेयर्ड बट वर्ड्स लाइक एज सर नॉट यूज कहने का मतलब यह है कि इस फिगर ऑफ स्पीच में दो थिंग्स दो वस्तुओं को कंपेयर किया, like, so, किया जाता है बट लेकिन वर्ड्स शब्द लाइक एज सो ये सब यूज नहीं किए जाते हैं ठीक है तो क्या किया जाता है तो इसमें देखिए इसका जो ट्रिक है इसमें अधिकतर आपको मिलेगा इज एम आर हैज ये सब चीजें आपको मिलेगी वर्ब ठीक है अब मैं उदाहरण से समझाता हूँ आप यू नो सिमिली में क्या था कि हम लाइक like, एज और सो। so, ये सब करके हम उसको कंपेयर करते हैं लेकिन इसमें ऐसा नहीं है इसमें हमें डायरेक्टली हमें कंपेयर करना है लेकिन ये सब चीज़ें यूज नहीं होंगी जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि द कैमल इज़ कॉल्ड द शिप ऑफ शिप ऑन डेजर्ट ठीक है कि जो कैमल है यहाँ पे हम डायरेक्ट बोल दे रहे हैं कि वो डेजर्ट का शिप कहलाता है ठीक है जहाज आप बोल सकते हो लेकिन अगर अगर ये, ये सिमली होता तो यहां पे आप बोलते हो कि द कैमल इज लाइक ए शिप ऑफ डेजर्ट ठीक है लेकिन यहां पे नहीं यहां पे हम कैमल को डायरेक्ट वो चीज बना दे रहे हैं क्यार ये तो खुद ही रेगिस्तान का जहाज है ठीक दूसरा उदाहरण समझ आता हूं मैं आपको जैसे यहां पे लिखा है फ्रेंडशिप इज अ शेल्टरिंग ट्री तो इसका मतलब है कि फ्रेंडशिप यहां पे दोस्ती डायरेक्ट बोल दिया जा रहा है कि ये शेल्टरिंग ट्री है सल्टिंग मतलब छाया डायरेक्ट पौधा बोल सकते हो ठीक है जिसपे सब शेल्टर लेते हैं ठीक है रुकते हैं तो यहाँ पर अगर अगर ये सिमिली होता है तो यहाँ पे हो जाता है फ्रेंडशिप इज लाइक अ शेल्टरिंग ट्री लेकिन यहाँ पे ये सिमिली नहीं है इसमें एज लाइक सो नहीं यूज होगा इसको डायरेक्ट बोल देंगे ठीक है क्या यूज हुआ है इज ट्रिक देखो इज है ना है ना और ये देखो इज है तो अधिकतर में आपको इज एम आर एंड हैव हैज मिलेगा ठीक है एक और उदाहरण देखते हैं जैसे आप सिमिली में था तो आप बोलते कि लाइफ इज लाइक अ ड्रीम आप कंपेयर कर रहे हो ठीक है दो कैटेगरी अलग अलग होते हैं उससे कंपेयर कर रो लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट आप कर दोगे इसमें लाइक एज सो का कंपेरिजन नहीं होगा की तरह से केवल कंपेयर किया जाएगा देख रहे हो ट्रिक ये पकड़ने वाली है और डायरेक्ट बोल देंगे यानी जीवन ही ड्रीम है लाइफ इज अ ड्रीम ठीक है तो हम डायरेक्ट लाइफ को कंपेयर कर दे रहे हैं ड्रीम से कि यही चीज़ है ये 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 वाला बंदा जो मान लीजिए कोई बंदा ही है ये चीज़ ये हो गया है ठीक है तो लाइफ इज अ ड्रीम क्लियर दोबारा बताता हैं एक और उदाहरण है जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि राणा प्रताप वॉज अ लायन इन द बैटल फील्ड राणा प्रताप जो थे वो यू you नो know, एक शेर थे समझ लो बैटल फील्ड में लेकिन अगर यहाँ पे सिमिली होता तो आप बोलते कि राणा प्रताप वॉज अ लाइक अ लायन इन द बैटल फील्ड वो एक शेर की तरह थे बैटल फील्ड में जब लड़ रहे थे लेकिन यहां पे क्या हुआ कि राणा प्रताप को ही शेर बना दिया गया कि राणा प्रताप वॉज अ लायन इन द बैटल फील्ड तो समझ रहे हो कि यहाँ पे डायरेक्ट आप इसी इसी सब्जेक्ट जो आपका है डायरेक्ट आप इसी को बोल दे रहे हो कि वही चीज है वो लेकिन सिम्बली में ऐसा नहीं था सिमली में आपको लाइक एज सो का यूज किया जाता था लेकिन यहां पे नहीं फिर एक बार बताता हूं आपको देखिए यहाँ पे मेरा है डेफिनेशन इन दिस फिगर ऑफ स्पीच टू ऑब्जेक्ट्स आर आर कंपेयर्ड बट वर्ड्स लाइक एज सो नॉट बस यही डेफिनेशन आपको यही लिखना है ठीक है ये हिंदी नहीं लिखना है कि रूपक अलंकार है जो टीचर्स होंगे वो समझ जाएंगे दे विल अंडरस्टैंड ठीक है बाकी ट्रिक ये है ट्रिक भी लिखने का हो सकता नहीं आपको ये उदाहरण आपको रटना हो तो रट लीजिए ठीक है ये आप स्क्रीन ले सकते हैं क्लियर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हाइपली के साथ ठीक है चल टेक केयर थैंक यू सो मच